यूपी के मोहावा में कानपुर के 3 पत्रकारों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा करने का मामला तूल पकड़ने लगा है। संयुक्त मीडिया क्लब के तत्वाधान में मोहावा जनपद के सैकड़ों पत्रकारों ने एकजुट होकर कानपुर पुलिस प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर निकलकर जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन जताया। तो वहीं शहर के अम्बेडकर पार्क से पत्रकारों का जत्था प्रमुख चौराहे से होते हुए सदर तहसील पहुंच मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंप मुकदमा वापस किए जाने की मांग की गई। भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के ऐतिहासिक पार्क में एकजुट हुए जनपद के कलमकार कानपुर देहात पुलिस प्रशासन के खिलाफ बेहद आक्रोशित और नाराज है। हाथों में तख्ती, बुलंद नारे और काली पट्टी बांध कर ये सभी पत्रकार कानपुर में अपने 3 साथियों के ऊपर जिला प्रशासन द्वारा हाल ही में दर्ज हुए मुकदमे को वापस लेने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए हैं। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बोल के लब आजाद है तेरे, हल्ला बोल हल्ला बोल। सच दिखाना गुनाह है तो यह गुनाह हम बार बार करेंगे, जैसे नारों के साथ सड़कों पर कलमकारों ने प्रदर्शन कर मुकदमा वापस लेने की मांग कर रहे हैं। और अगर यह मुकदमा वापस नहीं हुआ तो आने वाले समय में प्रदेश के सभी पत्रकार सड़कों पर उतर कर कानपुर देहात प्रशासन सरकार के विरुद्ध में आंदोलन को बाध्य होंगे। इस मौके पर बुंदेलखंड के मीडिया क्लब के सैकड़ों प्रभारी मौजूद रहे। पत्रकारों पर कानपुर प्रदेश के ही जनपद कानपुर में 3 पत्रकारों के विरुद्ध फर्जी मुकदमा दायर कर लिया गया, जबकि वो अपने जनहित के कार्यों में लगे हुए थे, अपने समाचारों का संकलन कर रहे थे। और जब उन्होंने वहाँ संबंधित अधिकारी से बयान लेने की बात कही, अपना वो देने की बात कही, तो वो उन पर जो है वो उनके लोग आक्रांता हो लिए और फर्जी मुकदमा दायर करवा दिया। आज की स्थिति प्रदेश में यह है कि जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा, ये तो अत्यंत विचारणीय प्रश्न है। पत्रकार साथियों के साथ ऐसा ना हो, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज जो है धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार को आगाह किया है कि हमारे पत्रकार साथियों के विरुद्ध जो अर्जी मुकदमे लगाए गए हैं उन्हें तत्काल वापस ले लिया जाए। अनुरोध करना चाहूँगा कि किसी भी यूपी दिवस के दिन जो कानपुर में 3 पत्रकार भाइयों के साथ झूठा मुकदमा लिखा गया उसको तत्काल वापस किया जाए। और प्रशासन से आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि जब तक पत्रकारों की कोई शिकायत अगर प्रशासन तक पहुँचती है, अगर उसकी निष्पक्ष जांच ना कर ली जाए तब तक कोई मुकदमा पंजीकृत ना किया जाए। संयुक्त मीडिया क्लब आंदोलन के लिए विवश होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जिन्होंने जो है सत्य को उजागर करने का प्रयास किया उनके विरुद्ध मुकदमा लिखे गए। आप किसी भी जिले में देख लो, पत्रकार ने अगर अपना सत्य को उजागर करने की कोशिश की तो प्रशासन अपनी दमनात्मक कार्रवाई को करने से नहीं चूकता। और यहाँ तक कि योगी सरकार कहते हैं कि पत्रकारों के खिलाफ कोई भी बिना जांच, उच्च स्तरीय जांच के बिना कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा, लेकिन स्थानीय प्रशासन और जिले के मुखिया इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। किसी ने भी झूठी शिकायत पत्रकार की है तो उसने तुरंत ही उनके खिलाफ विरुद्ध मुकदमा कर देते हैं। हम सब पत्रकार आहत हैं सरकार की कार्रवाई से। और अगर यही बात बनी रही सरकार की जो कथनी और करनी में अंतर रहा तो वो दिन दूर नहीं कि पत्रकार अपने हक के लिए, हुकूक के लिए मर मिट सकता है, लेकिन अपनी सत्य बातों को उजागर करने में नहीं चूकता। पत्रकार इस बात का आगाह करता है शासन प्रशासन को कि पत्रकार स्वतंत्र है, अपना कार्य कर रहा है, ना तो उनके कार्यों में आप अवरोध पैदा किया था जो सत्य और सही था। लेकिन बावजूद इसके 3 पत्रकारों के ऊपर प्रशासन ने सिर्फ जबरदस्ती जिंदाबाद 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 हम एक जल्दी अभी हट जाओ पत्रकार एक जिंदाबाद जिंदाबाद हल्ला बोल हल्ला बोल बोल जुबान तक है तेरी हल्ला बोल हल्ला बोल पत्रकार एक जिंदाबाद पत्रकार एक जल्दी अभी हट जाओ पत्रकार एक जिंदाबाद जिंदाबाद।